Good evening, my name is Akhtar Ali Khan. I'm born and brought up in Bangalore. About my education, I have completed BCom from Bangalore University. And about my family, I have two siblings. They are married. And my younger brother, he is working as a medical representative for Cipla company. And my sister, she got married to an engineer. And he's a BE engineer and working for one of the civil organizations. However, talking about my work experience, I'm working with Altair as a payroll manager, and I'm working since last 1 year with them. Prior to that, I was working with Transguard for almost 10 years as a payroll manager. Talking about my hobbies are playing cricket, interacting with new friends, making new friends, traveling, reading books, playing cricket, football. And about my strengths, I'm very hardworking. I always try to, you know, do a multitask and finish my work on time. And apart from that, I always try to mingle with new team members and help them if they are struggling with any of the work-related issues. So this is about me. So let's not discriminate करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ज़्यादा पढ़ी कौन कम पढ़ी, right? जैसे नमाज के वास्ते जब हमारे लोग तो सभी एक ही चेक लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसमें ना इन्हें अमीर ना इन्हें गरीब को मालूम होता है सामने सभी, हाँ एक प्लेटफॉर्म पर आप कुछ हासिल करने के वास्ते रखो, वो इंटेंशन रखिए। सब भाया वो तुम्हें सो भी ग्रेटर बोलते हैं, कुल्लू मुस्लिम नहीं होते, तो सब भी यहाँ नहीं सो मुसलमान अच्छे, इसमें ऊपर नीचे इन्हें कम पड़े ना ज़्यादा पड़े चीज़ नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हारा जमाने का मकसद एक ही चेक था, बहुत सारे हमें लोगों को बच्चा को जितने भी आ रही जा रही हूँ सबको देखूंगी मैं। आने के बाद जब इंटरव्यू फेस करते हैं तब या तो फेस करते नहीं, इंटरव्यू देते नहीं, नहीं बोले तो इंटरव्यू से मैं कर आ रहा उन्होंने पूछे सो बोले अभी ये थोड़ी आपको जुबान में आपको फर्क नहीं है बट मैं बोल रहा था बट वो नहीं समझ रहे थे उन्होंने, मैं कहता कि इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझे वो बोल रहा। देखो कौन भी धंधे जितने भी विजिटर्स यहाँ आती कौन भी मार्केट पेट से इंग्लिश सीखो नहीं आता, राइट? जैसा बच्चा पैदा होने के बाद रेंगना सीखता है, बैठना सीखता है, बाद चलना सीखता है, गिरना सीखता है, बाद भागना सीखता है, सिमिलरली ऐसा क्या होता है बोले तो हमारी जो जुबान हमें हर दिन जो बात करते हैं, हर दिन जो हमें इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो उर्दू जुबान में करते हैं। अब हमें जब हमें इंग्लिश में बोलना की कोशिश करते हैं तो हमें सोचते हैं क्या बोले तो हमारी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जो है हमें सोच को वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ हमारी इंग्लिश खराब हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और जितने भी यहाँ एसी टेक्नीशियंस हैं या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे जाते हैं उन्होंने सभी क्या करेंगे बोले तो जा रही बिल्कुल इंटरव्यू देने की कोशिश करें बट उससे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मेरे पास थोड़े नहीं पॉइंट्स लेकर रिकॉर्ड हूँ जो ना सबको भी या तो क्वालिफाइड नहीं या तो जॉब ढूंढ रही या ऑलरेडी जॉब में हमें नहीं, सबको भी वो इन्फॉर्मेटिव लगे इन्फॉर्मेशन और उसके हिसाब से हमें ज़रूरत कोशिश करें तो हमारी जो बात करने का तरीका और सलीका है सामने वाले को पसंद आया। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट और मेन मोटिव मेरा यश था, राइट? उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ तुम्हें जॉब कैसा ढूंढना मार्केट के अंदर, कैसा अप्रोच करना, सर्च कैसा करना तुम्हें जॉब और जॉब पोर्टल्स में कैसा तुम्हें रजिस्टर करना, कौन से पोर्टल्स को तुम्हें जाना, ये भी ज़रा मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे। सबसे पहले मेरा तारुफ देता हूँ, मेरा नाम आफ्ताब अली खान, मैं शहर चनपटन से तारुफ करता हूँ। तकरीबन 15 साल से मैं यहाँ मुख्य बोल रही हूँ। मेरी भी आप जैसा यहाँ पे बैठी मेरे भी ऐसे चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में, मैं भी स्ट्रगल करा। जब मैं स्कूल और कॉलेज पढ़ को ख़त्म करे चनपटन से तो मैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ को मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म करा, सो मैं बीकॉम ग्रेजुएट। जब ख़त्म होने के बाद मैं काम की तलाश में निकला तो मेरा भी बहुत 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 मतलब मैं बयान नहीं कर सकता होते चैलेंजेस थे मुझे। तकरीबन मैं 70-80 कंपनीज में मैं इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मुझे बहुत चैलेंजेस थे, मैं बात नहीं कर सकता था इंग्लिश में, तो काम भी जाता रिजेक्शन हो जाती थी। बट मैं हारा नहीं, मैं कोशिश करा कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ ना कुछ मैं हासिल करना। जब मैं हासिल करने लगा और मेरे जो स्टेप्स मेरे सामने आए चढ़ने लगा नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं पीछे लौट गया नहीं और मुझे डाउनफॉल मिला नहीं आज तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और मेरे वालिदैन का वो एक दुआ उनके सत्य दुखर से आज तक मैं यहाँ पहुँच को इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह आगे ले ले जाता है। तो हमें जब तक जो हमें कोशिशें और जितने हमें तकलीफ़ों में भाग हुई
आज जो जनरेशन है जो आ रहे हैं यहाँ विजिट कर विजिट कर रहे हैं, काम के तलाश में आ रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं होना रखो, वो एक ही चीज़ का एहसास दिल में रखो। मैं कभी भी धंधे जितने भी विजिटर्स आता हूँ आते हैं उनको कोशिश करते रहता हूँ कि काम ही का किसी ना किसी जरिए से वहाँ भैया धंधे रफत भी यहाँ ही और हमारे अक्रम भी हैं, उनके जरिए से मालूम हुआ तो उनको फॉलोअप करना, उनको पूछना, उनको गाइडेंस देना, ये करते रहता हूँ। ये कभी भी मैं पसंद करता हूँ इसी चीज़ को, आगे कभी भी कौन भी तकलीफ में रहता हूँ उनको गाइडेंस, ये मेरा एक हॉबी के जैसी करिए, ठीक है। तो वो सिलसिले से मैं क्या सोचा, समझे कि बहुत 12-13 विजिटर्स हैं शहर संगठन से, साथ में हैदराबाद से भी बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, जितने भी हमारे मेहदरिया हैं यहाँ को मुहिम हैं और कोशिश में ही कि हमको अच्छे से अच्छी जॉब मिले। हर एक इंसान मजबूरी से चाहता है सब, या तो कौन अपने माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदार दोस्त अहबाब को, साथ में कौन हमारे बीवी बच्चों को छोड़कर इतनी दूर आता है, किसे भी पसंद नहीं ना दूर रहना किसके भी साथ, तो वो ताल्लुक से हमें इतनी दूर रहें तो ज़रा नहीं, ज़रा कोशिश करता हूँ मैं, ज़रा कुछ करे तो तुम्हें आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे लिए ये है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सब तो भी जॉब मिलता है, ठीक है। तो एजेंडा है आज का, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन था जो मैंने दिया, उसके साथ फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि जब भी आप किसी से भी पहले मुलाकात करती हैं तो वो मुलाकात में आगे का इंसान कैसा है तुम्हें जांच लेते हैं, है ना, पहचान में आ जाता है कि नहीं ऐसा ये तरीके का बंदा, ये हिसाब का बंदा मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, हमें एक लड़के को देखने जा रही हमारी बहन को या तो किसी की बेटी की रिश्ते के वास्ते, तो हम ना क्या बोलते हैं भाई बच्चा कैसा है देख ले पाओगे, एक एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब जाकर तुम्हें बैठे तो उसका रहन सहन देखती हूँ तुम्हें, उसका हुलिया देखती हूँ, उसके बाल देखती हूँ, उसकी दाढ़ी देखती हूँ, उसके हर एक चीज़ तुम्हें देखती हूँ, देखो क्या बोलती हूँ इनका घर का रहन सहन अच्छा नहीं है या तो लड़के में खामियाँ नहीं, कुछ ना कुछ निकाल देती हूँ। यानी कि मैं अगर किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना तेरे को बोले तो मैं एक ऐसा काबिल इंसान बनकर दिखाना इंसान दूसरे इंसान के सामने कि मैं एक अच्छा इंसान बन लेता हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने ऐसा नहीं रखा एक फट्टी पैंट फिट्टा टी शर्ट पहन लग खड़ा तो इन्हें क्या रहे, क्या बोल रहा है, इसमें कैसा है, इन्हें सभी तुम्हें वो एक तस्वर लग आता दिमाग में, राइट। सो सेम कभी भी हमें किसी से भी सबसे पहले मिलने गए तेरे को बोले तो हमें इंटरव्यू पूछा रही, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें नमाज को खड़ गई, जब नमाज को खड़ रही तो हमें चड्डी पहनने को तो नहीं खड़ता, अल्लाह के सामने रुजू हो रही है बोला था पूरे होश और आवाज में रखो, हमें अच्छे कपड़े पहन को रुजू होती है अल्लाह के पास। उसी तरीके से हमें हमारे इंटरव्यू के वास्ते जा रही है बोला था अच्छे तरीके से, अगर बाल खड़े नहीं तो उसे सुलाओ, बाल तेल लगाओ, नहीं करके बोले तो जल लगाओ, आजकल जल जो लगा रही यंगस्टर्स वो जल लगाओ, वो हिसाब से जाओ बैठो, शेक हैंड करो, अच्छे तरीके से बात करो, अच्छे तरीके से एक स्माइल रखो, खौफ रखो ना लो। देखो सबसे पहले इंटरव्यू को जब तुम्हें लोगन जा रही तो मैं अपने आप को सेल करने के वास्ते जा रही हूँ, तुम्हें बेच नहीं सो अपने आप, ये सेलिंग योर सेल्फ, राइट। कई साल को बोला तो तुम्हें शॉप में जाने करके बोला तो क्या भी चीज़ खरीदना करके बोला, तुम्हारे पास 6 चीज़ें होंगी, अब पेस्ट खरीदने जा रही हूँ तो हमारे पास 6 ब्रांड्स की पेस्ट है, अब मार्केटिंग उन्होंने क्या हिसाब से करती हैं टीवी के अंदर, तुम ना वो मार्केटिंग के हिसाब से तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बिठा कर रहती हूँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हें जाकर वो इसे मॉल से वो अच्छा लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट तुम्हारे टीवी के अंदर 10 मरतब आता है तो दिन में तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ कर होती है, इन्हें फलाना पेस्ट अच्छा है बोलो तुम्हें क्या कर लेते हो उसे ऑप्ट कर लेते। वो तरीके से हमें अपने आप की मार्केटिंग करके एक जॉब हासिल करने की जरूरत है, राइट। तो हमें क्या करना, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ उनको बताना तुम्हें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें अपने आप की स्किल्स को अपने आप को नहीं बेचे तो उनके सामने बेचो बोले तो तुम्हें कपड़े भी कड़बड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली अपने आप को तुम्हें उनके सामने प्रेजेंट करना है कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स है, वो दिखाना था तुम्हें। जब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं बोलता तब तक तुम्हें आगे बढ़ते नहीं मिलता। तो उन्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और एक जो ड्यूरेशन जो इंटरव्यू का होता है उन्हें वक्फा जो बोलते हैं मेरे इंटरव्यू का, खाली 2 या 3 मिनट में पहचान लेता इंसान तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें जैसे एंटर होती हूँ और तुम्हें बैठती हूँ उसमें तुम्हें फट कर कौन है आगे से पहचान लेता हूँ। जब भी तुम्हें मौका मिला तो YouTube में IAS के इंटरव्यूज होते हैं, ऑफिसर्स को जो बनाते हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनके इंटरव्यूज देखो कभी वो देखो सीखो ना क्या तरीके से जाते हैं IAS ऑफिसर जो बनती हो, उनका पहनने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनको सवाल जो करती हूँ उसका जवाब जो देती हूँ वो तरीका। अब हमें काम ढूंढने आते हैं हमारा दिमाग और फोकस पूरा है वोच तरफ रहना, इंटरव्यू कैसा देना, हमें क्या हिसाब से रहना। अब फॉर एग्जांपल हमें क्या भी खेलने गएगा तो बोला तो किसकी भी एक टूर्नामेंट है बोला तो हमें 15 दिन से हमें प्रैक्टिस करती अच्छा खेलना, अच्छा खेलना, अच्छा खेलना।
अब तुम्हें इंटरव्यू देने जाने का बोला था एटलीस्ट तुम्हें एक 15-20 टाइम तो भी कौन से भी इंटरव्यू देख तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बिठा कर रहा हूँ चीज़ राइट। सो 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाती है वो चीज़। और जो क्या करना है इंटरव्यू के दरमियान, क्या नहीं करना इंटरव्यू के दरमियान, और उसके बाद इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होती हमारे साथ, जो आगे वाला क्वेश्चन पूछता है उसे कैसे जवाब देना, क्या तरीके से जवाब देना, और उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या तरीके से देना। कभी भी हमें उनसे बात करें तो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो भी रहते हैं उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करना था कि मैं पहले कंपनी में काम करता था, उन्होंने मुझे निकाल दिए, कंपनी अच्छी नहीं है, अच्छा हमने हेल्प करी नहीं, सैलरी बराबर दी नहीं हमने रखो, तो आगे वाला क्या सोचता है इंटरव्यूअर, हमारी भी कंपनी के बारे में ना सबान का दिन छोड़ को गया तो जाकर बुरा बोलता दूसरी कंपनी में रखो, वो एक परसेप्शन आ रहा हूँ राइट। तो मैं आगे बढ़ते हुए सबसे पहले डूस एंड डूस में ले जाता हूँ, क्या करना इंटरव्यू में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कभी भी अंदर 10 मिनट पहले जाओ तुम इंटरव्यू, 10 मिनट लेट जाना नहीं, 10 मिनट पहले जाओ तुम इंटरव्यू। उसके साथ कभी भी अंदर तुम्हें जाकर बैठने के बाद इंटरव्यूअर के साथ सबसे पहले फर्म यानी कि एक जेंटलमैन के हिसाब से जाना, अल्लाह हुवत देखो है, ताकत देखो है, इतना अच्छा जिसम देखो है, हाथ पाँव देखो है, साथ में हमने अंखा देखो है, वो हिसाब से हमें फर्म होकर जाना, अच्छा जेंटलमैन के हिसाब से हमें शेक हैंड करना उनसे, बैठना ग्रीट करना, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, बैठो, अच्छा शेक हैंड करो उनके साथ। उसके साथ साथ तुम्हें कभी भी हमें अच्छे सलीके से जाकर तुम्हें फॉर्म बैठे तो चेयर को एक जेंटलमैन के बैठना, थके हुए सुस्त ऐसा नहीं बैठे, ऐसा बैठे अगर बोला तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या हिसाब की है, बॉडी लैंग्वेज वो भी समझ में आता है इंसान को, इन्हें क्या हिसाब का बंदा करने का उन्होंने जज कर लिया है। सिमिलरली कभी भी जाती हूँ उन्हें लिखो है 900 के तुम ड्रेसअप होकर जाओ कर गूगल पर, एक दूल्हे के तुम ड्रेसअप होकर जाओ तेरे को बोल रहा है एक, कभी भी हमें गए तो वो जो मेकअप ये सब बोल रही हूँ लेडीज के वास्ते, बट अप्रोच जब भी तुम्हें होती तो अच्छे तरीके से जाओ, एक जॉब के वास्ते जाने से तुम्हें रोजी रोटी अल्लाह शुरू करना चाह रहा है सो, तो तुम्हें अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर जाना बहुत जरूरी चीज़ होती है। उसके साथ तुम्हारा पोस्टर जो भी होता है, मैं जैसा बोला तुम्हें आई टू आई कॉन्टैक्ट करना, किसी से भी बात करें तो अंखिया में अंखिया डाल को बात करना, उसमें कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है तुम्हारा और आगे वाला भी समझता है कि मैं कॉन्फिडेंट है। तुम्हें उन्हें आगे से सवाल कर तो तुम्हें कौन ने देखे, नीचे देखे, इधर उधर देखे, उसे देखे नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो है अगर उन्हें समझ जाता, तो वो इम्पोर्टेंट है। और कभी भी आगे से बात करें तो एम्फोसाइज करना, यानी कि भाई एक कौन सी भी अच्छी चीज़ बोल रही अगर वो बोले तो उसे और भी अच्छा गुना को बोलना, तुम्हें एक अच्छी चीज़ बोल रही तो और भी अच्छा गुना को बोलो किसी के सामने, तो उसे क्या होता है एक मॉरल सपोर्ट मिलता है तुम्हारे बात के वास्ते तुम्हें जो भी बोल रही हूँ। तो उस तरीके से मैं आगे बढ़ते रहता हूँ क्या नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, कभी भी लेट नहीं जाना राइट, वेटिंग योर फोर्थ कमिंग, किसके भी साथ तुम्हें नहीं जाना इंटरव्यू को, लाइक भाई के साथ जाऊँ नहीं, अब ज़्यादातर वो औरता के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने हस्बैंड के साथ जाते हैं, उनको अकोमोडेट करने की ज़रूरत है उन्होंने, अब हमें सब पे को हमें किसके भी साथ जाने की ज़रूरत है, किसी भी साथ हमें लेकर जाना है। तो आप मेरे साथ कभी भी गलत हमें और कौन सी भी कंपनी के बारे में हमें गैर गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी हमें आंसर देते हो इंटरव्यूअर को, हमें फर्ज करो हमें पूछा हम नहीं आई यू फ्रॉम बेंगलुरु करके बोला था यस आई एम यस यस नो यस नो ऐसा जवाब देना पूरा फर्म सेंटेंस में देना यस आई एम फ्रॉम हैदराबाद आई हैव आई बॉर्न इन वाटरफॉल यस आई एम फ्रॉम बेंगलुरु मैं वहाँ पैदा हुआ था वहाँ तक मैं पहले आप बढ़िया सो मच करें तो शॉर्ट आंसर्स देना नहीं करके बोला कभी भी शॉर्ट आंसर्स दियो ना तो बोलता तो हमें आगे बढ़ते हुए सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या तरीके से देना और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारे डिस्कशन की सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या तरीके से देना सर। देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, उसके अंदर सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रही और उनके सामने तुम्हें बोलना चाह रही तुम्हें क्या हूँ और तुम्हारे क्वालिटीज़ क्या हैं, तुम्हारा एजुकेशन क्या है और साथ में तुम्हें कहाँ तक पढ़ता हूँ और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इतना होगा इतना बोलना सर। इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारे इंटरव्यू का पूरा दारो मदार तुम्हें अच्छा ड्रेस होकर जाओ टाई बल लेकर जाओ तुम्हें अच्छा एक जेंटलमैन लुक ले लेकर जाओ तुम्हें चेयर को फॉर्म बैठो तुम्हें अगर तुम्हें ये नहीं बोले तो हर चीज़ तुम्हारे अंदर जो भी है वो पूरी फेल हो जाएगी। दिस इज द मेन बेस ऑफ योर इंटरव्यू, यहाँ से तुम्हें उन्हें जज कर लेती हाई सो खाली 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस उसमें ये 5 सेंटेंस में तुम्हें क्या ही उनको मालूम मिलता ये एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट। मेरे पास इसके प्रिंट आउट हैं मैं सबको भी सर्कुलेट करते हैं इसके प्रिंट आउट से तो सबसे पहले मैं बोलूँ ओके देखने आना तो मैं बोलता हूँ फोन की जाती है बोलती हूँ गिव मी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हर इंटरव्यू में यह सवाल बता चलते डू वी नो कैन यू टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे द थिंग नहीं करो बोले तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ करो बोलते अब जब बोलती हूँ तो सबसे पहले हमें उनको ग्रीट करना या तो सुबह रहती है या तो शाम रहती है या तो दोपहर रहती है ये 3 चीज़ें क्या फैजान करेक्ट नवे
सुबह रहते हैं, शाम रहते हैं, नहीं तो दोपहर रहते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू टाइम हमें उनको ग्रीट करना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैंने नहीं, जाफ्ता अली खान पूरा नाम बोलो, छोटा नाम मत बोलो, पूरा नाम बोलो, मैंने नहीं जाफ्ता अली खान, आई बॉर्न एंड बॉर्डर, मैं पैदा कहाँ हुआ और मैं पला और बड़ा कहाँ हुआ, वो जगह का नाम पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा हमें कि तुम्हें ग्रेजुएशन कहाँ से करे, तुम्हें कहाँ तक पढ़ पाई, उसके साथ कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम्हें कम्प्लीट है, उसके साथ साथ उन्हें पूछा तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड बोलो, तुम्हारा कितने बच्चे हैं, तुम्हारा कितने भाई हैं, भाना है, उसके साथ तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम्हारे मदर क्या करते हैं, उसके साथ साथ तुम्हारे हॉबीज बोलो। हॉबीज से आदमी क्या कितना अच्छा और क्या तरीके से गुण मिलता है आदमी के दरमियान में, करने की चीज़ मालूम होती है उनको, क्या अगर बोला था। फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉबीज आर ट्रैवलिंग, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, मैं हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। मैं अब तुम्हें रीडिंग बुक्स करके बोला तो उन्होंने क्या सोचता है, तुम्हें नॉलेज कैरी करने का चीज़, ठीक है। घूम रही करने का बोला तो तुम्हें एक्सप्लोर करनी और दूसरी भी नॉलेज तुम्हें हासिल करने करने की चीज़ आती है, राइट। प्लेइंग क्रिकेट करके बोला तो तुम्हारे पास टीम वर्क खाए करने की चीज़ आती है, यू नो, हॉबीज में जमा होती है। तो वो हमें चूज ही सेलेक्ट करके हमें बोलना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, अपने आपको बेच नहीं सो, तुम्हारे पास वो हॉबीज नहीं रहे तभी चुप बोलो तुम इंटरव्यू में, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो फिर भी चुप बोलो तुम इंटरव्यू में वो चीज़। उसके साथ हमें क्या चाहिए लास्ट में, एंड ऑफ द डे में हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे स्ट्रेंथ्स ये हैं, तो तुम्हें प्रेजेंट करना, मैं मॉक तुम्हारे सामने में बोलता हूँ, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर बोलता हूँ। सो गुड इवनिंग, माय नेम इज आफताब अली खान, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर, अबाउट माय एजुकेशन हैव कंप्लीटेड बीकॉम फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, एंड अबाउट माय फैमिली, आई हैव टू सिबलिंग्स, दे आर मैरिड, एंड माय एंगल ब्रदर इज वर्किंग एज एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर सिप्ला कंपनी, and my sister, she got married to an engineer, and he's a BE engineer and working for one of the civil organization. However, talking about my work experience, I'm working with Altair as a payroll manager, and I'm working since last 1 year with them. Prior to that, I was working with Transguard for almost 10 years as a payroll manager. Talking about my hobbies are playing cricket, interacting with new friends, making new friends, traveling, reading books, playing cricket, football. And about my strengths, I'm very hardworking. I always try to, you know, do a multitask and finish my work on time. And apart from that, I always try to mingle with new team members and help them if they are struggling with any of the work-related issues. So this is about me. So itta mai mere khayal se 40 second mein liya mere self-introduction complete karne ka. Itta acha hai sir. ये इतने तुम्हें क्या है उनको मालूम है, तो मेहरबानी से मैं क्या चाहता हूँ मेरे को बोला तो तुम्हारा सब, अगर तुम्हें बात नहीं कर सकती मेरे को बोला तो, मेरा एक इंटरव्यू, मेरा एक ट्रेनर था शेल्डन बोल, उन्हें यूके से, उन्हें मुझे क्या बोला था, डू वन थिंग, उन्हें मुझे ऐसा लिखवा दिया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, डू वन थिंग, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन तुम्हें एनर्जी के सामने करो, तुम्हें अंखा में अंखा डाल को, तुम्हें ये बोलते रहो, जोर से बोला, घर में तुम्हें पागल समझा नहीं, रोड में जा रहा है सुने का पागल समझ रहे, रोड को पहुंचना तुम्हारी आवाज बच्चे जोर से तू बोलते रहो, तुझे ये आ जाता है, कर्पोर मुझे बोल कर दिया था, न्यूज़पेपर भी वैसा पढ़िया, मैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखता था, मैं न्यूज़ चैनल्स मतलब जो न्यूज़ आती है लाइव न्यूज़ चलती है वो चैनल सुनता था, कि करके बोला था, जब हमें सुनते रहते हैं ना अपने आप को मालूम हो जाता है कि कौन से सेंटेंस लेना, कौन से वर्ड्स लेना, हमें उनके सामने कैसा हमें प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, और कभी भी तुम्हें बात करें तो है ना एनक में तुम्हारा एक चीज को देखो, लिप मूवमेंट, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये लिप मूवमेंट क्या हिसाब से हमें उनके सामने बात करें, क्या तरीके से बात करें, राइट। तो इन्हें एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का पैटर्न क्या तरीके से बना है, तो मेरे पास पूरा प्रेजेंटेशन का वो ये है, तुमको मैं दे दूँ तुम्हें, उससे तुम्हें मोर ऑफ हेल्प होता है कि क्या तरीके से देना, तुम्हें अगर नहीं सीखो नहीं तो वो रोज लिख लो, जब तुम्हारा नाम नहीं है तो नाम लिख लो, तुम्हें कहते हैं नाम, तुम्हें ये ग्रेजुएशन नहीं रहा तो तुम्हारा तुम एस एल सी पढ़ को नहीं, तो शाम से बोलो तुम एस एल सी पढ़ेंगे, तो शाम से बोलो नहीं मेरी एजुकेशन एस एल सी तक चीज़ कर लो, ज्यादा पढ़ को नहीं हुआ बोलने की बात नहीं है, SLC is an, you know, एक दौर था SLC को बहुत बड़े बड़े पोस्ट मिलते थे, राइट। तुम्हें एजुकेटेड, तुम्हें नंबर्स जानती हूँ तुम्हें, तुम्हें अल्फाबेट्स जानती हूँ तुम्हें, तुम्हें मालूम क्या तरीके से ऐड करना, क्या तरीके से सब्ट्रैक्ट करना, क्या तरीके से मल्टीप्लाई करना, जरब करना, ये सब तुम्हें आता है, तो इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है वो तरीके से। तो ये जैसा ये खत्म होता है तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, तुमने आगे से मैं एक सवाल पूछता हूँ, लास्ट सवाल पूछता हूँ, ओके आफ्ताब, टेल मी व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू आर डूइंग इन ट्रांसगार्ड, तुम क्या करते थे ट्रांसगार्ड में, क्या काम करते थे तुम? सर
सर यहाँ तुम्हें खत्म हो गए, यहाँ तुम्हें खत्म हो गए, उन्हें समझ गया तुम्हें आगे से जवाब नहीं दे सकती है लगा। उसका मतलब तुम्हें क्या करते थे कर बोला था, आई वॉज वर्किंग एज अ पेरोल मैनेजर, आई हैड अ टीम ऑफ सेवन मेंबर्स, आई यूज टू लुक इन टू ऑल द पेरोल्स एंड आई वॉज साइनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 70,000 एम्प्लॉय सैलरीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू इवन डू ऑडिटिंग स्टफ एंड वी वर ऑल्सो डूइंग द एनहांसमेंट्स टू द सिस्टम। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आगे वाला बस करना तुम्हें। देखो अब इनिशियली तुम्हें एक टफ दिखता है, इनिशियली तुम्हें यहाँ को ही एक नई कंट्री एक नया मुकाम चैलेंजेस बहुत सारे हैं, एक्टिविटीज बहुत सारे रहती हैं तुम्हारा, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है अगर बोला था तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म तुम्हें रूमा में ही, वो रूमा का प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट ऐसा है मेरा ख्याल से बात के 10-10, 11-11 घंटे तक तुम्हें मोबाइल में सफर कर यहाँ से बाहर निकलते नहीं, या तो सीरियल्स में रहती नहीं तो नेटफ्लिक्स में रहती नहीं तो मूवीज में रहती नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहती, इसके साथ तुम्हें तुम्हारा टाइम ज़ाया कर लेती, तो तुम्हें पैसा वक्त तुम्हारा जॉब सब कुछ सैक्रिफाइस करके तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत, तुम्हें यहाँ सांस लेने से भी पैसे देते, ये चीज़ याद रखो, तुम्हें खाना खाने से भी पैसे देते, तुम्हें रहने से भी पैसे देते, हर चीज़ यहाँ पैसे के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करनी, ये एक लम्हा तुम्हारा, तुम्हें आना भी तुम्हें जब तुम्हें आए यहाँ फ्री में नहीं आए तुम्हें सब, राइट, कार्ड पंच करके तुम्हें आए, कौन भी फ्री में आए, अगर कौन भी तुम्हें लेने का ड्रॉप करे तो तुम्हें पेट्रोल में डाल को तुम लाने का छोड़ दो, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट तुम्हारे लिए, तो मेहरबानी से वो मेंटालिटी से बाहर निकल जाओ कि हमें रूमा में ही फॉर्म ही अच्छे ही बेड मिल गया है सोने के वास्ते, सुबह के 10 तक सोते हैं रात के 12-1 तक जागती नहीं की बात तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हें काम ढूंढना चाह रही तो फजर की नमाज पढ़ को तुम्हें ड्रेसअप होकर घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, जैसा चुड़िया खाना दाना पानी चुगने के वास्ते अर्ली मॉर्निंग उनके घोंसले को छोड़ को उन्हें जाकर खाने की तलाश में जाकर चुप को उन्हें आकर उनके बच्चों को खिलाती नहीं, वो इस हिसाब से तुम्हारा एक्टिविटीज रहना चाहिए, सुबह में ड्रेसअप अर्ली मॉर्निंग ड्रेस करके तुम्हें निकल जाओ घर से जाको, तुम्हें रास्ते में जाते जाते तुम्हें कहते कि लोग मिलते हैं इंटरव्यू के तलाश में तुम्हें आकर उन्हें तुम ना पूछो इंटरेक्ट करो एक दूसरे से इंटरेक्ट करो बात करो, तुम्हें खाली मेट्रो में भी जाकर को कोना पकड़ ले कोने में ऐसा बैठ कर तुम्हें फंसे और उठ को स्टॉप में उतर गए तो हो तुम्हें वापस तुम्हें जाकर इंटरव्यू देखो हो वैसा चाहे तो नहीं होता, एक दूसरे का इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, तो तुम्हें फोन भी जाकर को बोलता आर यू गोइंग फॉर इंटरव्यू, डू यू नो एनीवेयर इंटरव्यू आप कर सकते हैं, हम इंटरव्यू चल रही क्या तुम्हें बोले किसी न किसी जरिए से बात तुम्हारा जगह बनाकर रखता ही रखता है खाली ऑनलाइन एड्रेसेस दे डाल रही तुम्हें जॉब जाको वहां जाको हमारे पोर्टल पर डाल दो करके बोल डाल बोले तो भी तुम्हें जाको विजिट करना जरूरी है, विजिट करना एक फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारा दिखाना के मैं फलाना आदमी मैं काम ढूंढने आपको हूँ करके तुम्हें उनके सामने लग देता हूँ तुम्हारे रिज्यूम से लग जाकर ड्रॉप कर पाए तो दैट गिव्स अ डिफरेंट एक रूट ही अलग रहता है वो, तुम्हें ऑनलाइन बैठ कर तुम्हें सीवी डाल देते हो तुम्हें क्या चीज़ से उनको मालूम नहीं रहता, खाली तुम्हें लिखवा रहती ना वो जरिए से तुम्हें उनको बुला करती सो तुम्हें जहाँ को प्रेजेंट करो फिर भी उनको बोलो प्लीज टेक माई रिज्यूम आई विल ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन, जाओ फिजिकली दियो तुम्हें रिज्यूम तुम्हारे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसके साथ साथ हमें सर्च करना जॉब कैसा सर्च करते हैं तो दुबई के अंदर 5-6 तरीके जॉब सर्च करने के राइट, एक सबसे पहला तरीका क्या है तुम्हें जैसे आती हूँ एक अच्छा रेज्यूमे बनाती हूँ किसी भी एक अच्छे आदमी को पकड़ो तुम्हारे रूम के अंदर अच्छा रेज्यूमे बनाओ तुम्हारा नंबर डालो उनको बोलो कि पूरे ग्रुप्स में सर्कुलेट करने की व्यवस्था है, रिक्वेस्ट करो पूरे ग्रुप में सर्कुलेट करने की व्यवस्था है, जितने भी गाँव के या तो जितने भी हमारे कम्युनिटी के आदमी हैं उनको पहुँचती है वो चीज़ राइट right? किसी ना किसी तरीके से काम का एक जरिया बनकर रहता हूँ ना फलानी जगह एक जगह है फलानी जगह है उन्हें भेज देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ मुखीम हैं जैसे मैं हूँ वहाब भैया हैं रियाज हैं रफत हैं बहुत सारे जने हैं यहाँ उनको कॉन्टैक्ट करो पर्सनली बोलो मैं विजिट पर आपको हूँ मुझे ऐसा है अब फरहा कमेटी में बहुत सारे जने हैं उनको कॉन्टैक्ट करो कॉन्टैक्ट करो उनको राशिद भी हैं जैसे कि हमारे भाव मियाँ हैं उन सब उनको कांटेक्ट करके बोलो मैं विजिट पार्क हूँ काम की तलाश में हूँ मुझे काम की जरूरत है मैं फलाने गांव से ताल्लुक करता हूँ मैं फलाने एजुकेशन है मेरी मैं इतना एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ मेहरबानी से देखो एक टाइम फोन कर दिया तो तुम्हारी चीज़ खत्म नहीं हो जाती मैं काम करने आपको ही आफ्ताब को या तो वहाब भी को रंधा या तो किसी भी रंधा या जो मुकीम ही पुराने में ही एक 100 बार फोन करो तो मैं हमें रजा नहीं कर
हर आदमी को बोलता हूँ मैं, अगर हमने फोन नहीं उठाया तो भी वापस फोन करते हैं तुम्हारा लोगों को, हम ना मालूम तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी परेशानी, वो परेशानी होती है तो भी हमें क्या करते हैं, हमें बिजी है तो भी, हमारा ऑफ शेड्यूल रहा तो भी हमें क्या करते हैं, वापस हमें बिजी होने के बावजूद भी वापस रिटर्न करते हैं। अगर एक दिन में नहीं करा तो दूसरे दिन जरूर करता हूँ, कभी भी मैं इग्नोर करता नहीं। टेक्स्ट करो, व्हाट्सअप करो, बिजार करते हैं आप, व्हाट्सअप कर दो तुम्हें नहीं, व्हाट्सअप कर दो तुम्हें मैसेज कर दो, क्वेश्चन मार्क डालो ना, क्वेश्चन मार्क डालो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, डिड यू गॉट एनी अपडेट ऑन माई जॉब, कर को क्वेश्चन मार्क डालो, हमें रिप्लाई नहीं करता और एक क्वेश्चन मार्क करता है, और नहीं करता और एक क्वेश्चन मार्क करता है। लॉजिकली और प्रोफेशनली वैसा पूछना किसे भी अच्छी चीज़ है, वैसा पूछना नहीं किसे, बट तरीके से पूछो, और पूछो, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा, वो तरीका अच्छा है, राइट। तो वो एक चीज़ हुई। दूसरी जो चीज़ है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे कि तुम्हें गूगल, गूगल में तुम्हें जाकर खाली टुडे वॉक इन इंटरव्यूज करो, टाइप करो टुडे वॉक इन इंटरव्यूज, तुम्हारा प्रोफेशन के हिसाब से टाइप करो, तुम्हें कौन की एसी की हैं, कौन की सेल्स के हैं, कौन की मैकेनिकल इसके हैं, टाइप करो दाल, 200% मैं गारंटी से बोलता हूँ तुम्हारा 110% रिजल्ट निकलता है, वहाँ से रिजल्ट निकलता है और वहाँ से तुम्हारा काम वॉक इन इंटरव्यू से ही तुम्हारा दिखवा जाता है। तुम्हें खाली जाकर एक लिंक को क्लिक करो, वहाँ सर्च करके बैठो ना, तो 10 लिंक्स को क्लिक करो, तुम्हें नीचे के 10 लिंक्स को भी क्लिक करो, जाकर उसको वन बाय वन देखो, एड्रेस, फोन नंबर, कंपनी का नाम, कहाँ कंडक्ट है इंटरव्यू, पूरा इन्फॉर्मेशन है पास। सबसे ज्यादा इंडीड में आती है, इंडीड के अंदर वैसे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, राइट। तो नौकरी है, इंडीड है, लिंक्डइन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ये सब जगह तुम्हें जाता हूँ, तुम्हारे जितने भी यू नो कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं नहीं, उनको रेफरेंस ले लेता हूँ, उनका कौन सी भी कंपनी में, उनका कंपनी में इंटरव्यू रहता हूँ, वो कंपनी को जाकर रजिस्टर करो, रजिस्टर करके तुम्हारा रिज्यूमे अपलोड करके छोड़ो। तो मैं आती हूँ, इनिशियली 10 डेज में ये काम करना, सबसे पहले रिज्यूमे बनाओ और सर्क्यूलेट करो, दूसरा काम रजिस्टर करो पोर्टल्स को, तीसरा काम तुम्हारा गूगल में जाकर सर्च करो वॉक इन इंटरव्यूज को सर्च करो, 13 डेज मैं तुम्हें हैश दिखा देता हूँ, आज और कल के वास्ते इंटरव्यूज देखो है यार, 200% तुम्हें मिल्किंग मिलते हैं रिजल्ट, जाओ सर्च करो, वॉकिंग करो, तुम्हें वेट को मैं खाली पोर्टल पर मैं रजिस्टर करता हूँ, मैं ऑनलाइन सबमिट करूँगा, तो बोले तो तुम्हें जॉब मिलते हैं भाई, ये जॉब के वास्ते आज के माहौल में 3,000-4,000 रजिमी साथ हमें देखते ना, हमें एचआर डिपार्टमेंट में बैठने सर रियाज को मालूम, मंडे मालूम, कम से कम एक पोजीशन के वास्ते 300-400-500 किसे शॉर्टलिस्ट करना, किसे बुलाना, राइट। जब हमें वॉक इन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है, मेहरबानी से वॉक इन करो। इन्हें तीसरी चीज, चौथी चीज जो मैं बोला तुम ना, अगर एक रुखेंगे तुम तो मैं इन्विटेशन कार्ड्स के तुम तुम्हारा रेज्यूम्स बना लो, 10-15-20 हर दिन 10 रेज्यूम्स में ड्रॉप करने का, भाई तुम्हें वॉक इन कर पश तुम्हें हासिल कर सकती हूँ, रूम में बैठ कर तुम्हें जॉब नहीं ढूंढ सकते, घर में बैठ कर तुम्हें जॉब नहीं ढूंढ सकते। बहुत सारे कंपनीज हैं दुबई के अंदर जो हमने मालूम है, एक येलो पेज करके एक जैसा इंडिया में येलो पेज करके आती है डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, यहाँ भी येलो पेज करके डायरेक्टरी है, वहाँ जाकर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के वास्ते तुम्हें टाइप करो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज कर लेगा, उसके अंदर टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका कहाँ है ऑफिस कहाँ है, पूरा उनके इन्फॉर्मेशन रखे उसमें, तो वहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालो, कॉन्टैक्ट करो, फोन करो, एचआर डिपार्टमेंट से बात करना, मेरे को बोलो एचआर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करो ना, ट्रांसफर कराओ, बात करो, बोलो मुझे ऐसा ये है जॉब की अपॉर्चुनिटी मुझे होना, प्लीज हेल्प करो मुझे, आगे बढ़ो, जाओ आगे। चार तरीके मेरे को मैं चार तरीके अपनाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा आने इतना कामयाब नहीं होंगे, साथ में हमें गाइडेंस के वास्ते नहीं, फील फ्री, हमें तुम्हारे भाया कभी भी हमें क्या भी चीज़ की जरूरत है तो फोन करो, हमें जरूर तुम्हारे से कंधा लगा कर हमें तुम्हारे साथ खड़को, हमें तुम्हें हेल्प करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं क्या है क्या तरीका है, बट आगे वाला इंटरेस्ट दिखाया नहीं तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, राइट। मैं खाली फला इन कुछ में अकेले को भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता ना, तुम्हें इतने जने बैठेंगे तो बोला था, इतने जने भी मुझे अप्रोच करेगा तो बोला था, मैं कौन मुझे ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, एक बंदा था नहीं करता, कौन जानती, राइट, फलांस के रूम में था नहीं जानती, 6 महीने काम कर गया, नहीं 6 महीने में तकरीबन 600-700 बार मुझे फ़ोन करे बंदा, मगर उसका जॉब मैं नहीं करा सकता, नहीं उन्हें खुद होकर उसका काम उन्हें अप्रोच करके मेहनत करके उन्हें जॉब लिया, आज एक स्टोर मैनेजर की हैसियत में दुबई मॉल में काम कर लेता है, इट फील्स प्राउड कि उन्होंने उतना मेहनत करने के बाद उसे निकाल कर लेता,
बट कोशिश करो कि कॉन्टैक्ट करो, रास्ता करो, टच में रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ करें। अब मैं एक आउट ऑफ द वे एक चीज़ बोलना चाहूँ, फर्ज करो तुम्हें अब मेरे पास ऐसे छोटे मोटे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, मैं 100% गारंटी नहीं बोल सकता कि तुम ना इमीडिएटली मिल जाता है, मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज भी होती और साथ में मेरे पास लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ हमारा टाइप है, तो उस लिहाज से मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, बोले तो पैकिंग अनपैकिंग। ओके, डांजा से एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी, BHL सुने थी ना नाम तुम्हें, BHL तो एक बहुत बड़ी कंपनी, वहाँ पैकिंग अनपैकिंग के वेयर हाउसेस में जॉब्स है। सैलरी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, बट अब भी मुझे मालूम नहीं क्या तरीके से है वो सैलरी, मतलब वहाँ होना तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, राइट। अब तुम्हें वो पोजिशन को मैं ले लग जा तुम्हें बिठा कर इंटरव्यू भी होकर तो बोलते तुम्हें नहीं दे सकता, वो सलाहियत तुम्हें अपने अंदर बिल्ड करना अगर बोला तो बहुत वक्त लगता है तुम्हारे पास, तुम्हें भी कम वक्त में नहीं, तुम्हारे पास भी कम वक्त है। मैं मंडे कोशिश करता हूँ तुम्हारे वास्ते। रही बात AC टेक्नीशियंस की, एक AC टेक्नीशियंस के वास्ते वहाँ भी देनी एक जरिया, बट एक्सपीरियंस है इस हिसाब से वो चेक करती क्या हिसाब से है क्या है क्या नहीं, वो ना होते हुए विकास विवेक क्या होना है, विकास को चेक करना उसके पास क्या अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट में है तो AC टेक्नीशियंस नहीं चक्कर वो लोग इसके जो टेक्निकल ये सिक्योरिटी इंपैक्ट सिक्योरिटी का भी चक्कर है इसमें, सिक्योरिटी का भी अच्छा रहता है। तुम्हें क्या बोलना है, और कौन की बोलना है? अब मैं हूँ सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो अल्टायर जो कंपनी है वो कंपनी के अंदर पूरे फोर्ड किए, उसके बाद हमारे लिंकन के, जागवर के, ये कंपनीज के कार्स उनके पास, अब 200% दोनों सर्टिफिकेट पूछते हैं, तुम्हारा भी पूछती हूँ, उनको भी पूछते, तुम्हारा बैकग्राउंड पूछते हैं, तुम्हें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल बना, अब तुम्हारे पास भी वो डिग्री है, उनके पास भी वो डिग्री है। मैं कोशिश कर दूँ अगर वो सोर्स में अभी अवेलेबल है तो मैं डालने के वास्ते, अगर ओपनिंग चल रही तो मना राइट। तो रही बात बी कॉम तुम्हारा रिज्यूमे भेजो, तुमने अकाउंटिंग की बैकग्राउंड की एक्सपीरियंस है, तो मैं इंटरव्यू को गए थे इसमें अलता है, तो मैं मुझे भेजो, मैं इंशाल्लाह एक इंटरव्यू अरेंज करा दूँ तुम्हारे वास्ते, ठीक है, वहाँ ओपनिंग्स चल रही फिलहाल के वास्ते, किसे की रेफर करें आप तुम्हें भेजो, अकाउंटिंग की बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है अपने को 6 months का है सर, एज ए कॉलेज रिसेप्शन। अच्छा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बट तुम्हें स्टडी करो और डेवलप करो अपने आप को, क्रॉस क्वेश्चंस पूछे तो तुम्हें अकाउंटिंग के बारे में तुम्हें देने की सलाह तक ना दे सकते, स्पेशली ओरेकल बेस्ड है, जब तुम्हारा ओरेकल की एक्सपीरियंस नहीं रहे भी चलता है तो मेटैली में एक्सपीरियंस का अकाउंटिंग का तुम्हें बोल सकते हो, तो बोल सकते हो। अब जब भी तुम्हें एक इंटरव्यू को जाते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में स्टडी करो, 15 मिनट दियो, इंटरनेट में जाओ, कौन सी कंपनी को जा रही वो कंपनी का नाम डालो, सर्च करो कंपनी के बारे में, उसके कंपनी का ओनर कौन, वो कंपनी के अंदर कैसे एम्प्लॉयज हैं, वो कंपनी मार्केट में कैसी है करने का तुम्हें गूगल बता होगा, फट करके मालूम हो जाता है, जैसा मालूम होता है तुम्हें आगे क्या करना, तुम्हें स्टडी करके माइंड में रख लेना, वेल टू डू कंपनी थी, अच्छी कंपनी रही तो मैं मुँह खोल कर तुम्हें सैलरी पूछो, अच्छी कंपनी रही मुँह खोल कर सैलरी पूछो तुम्हें, अब कंपनी ओके टाइप है करके बोला था, मैं कंपनी के ऊपर डिपेंड होती हो तो कि मेरी सैलरी क्या देना तुम्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करो, तुम्हें उनके ऊपर डालू ऐसा बोलना कि आई विल गो विद कंपनी अनाउंस कर को बोल दे, मैं कंपनी के हिसाब से चले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में रहते 3,000 या 4,000 फॉर एग्जांपल सैलरी रहते रखो, अब वो फॉर स्पेशली तुम्हें काम कर को इंसॉ आई डोंट नो तुम्हें कितनी सैलरी लेते थे हमारे में मुझे मालूम नहीं हुआ, फर्ज करो तुम्हें 2,000 सैलरी होता था, अब मैं एक्सपीरियंस होल्ड करी हूँ सो मैं यहाँ ज़्यादा मैं सैलरी डिमांड कर सकता हूँ करके बोला तो तुम्हें कंपनी देखो पहले, कंपनी देखो तुम्हें डिमांड करो, तुम्हें कंपनी देखे बगैर तुम्हें डिमांड कर रहा था, मैं 4,000 रुपये सैलरी होना मुझे करके बोला था, आज के माहौल में AC टेक्नीशियन को वो भी मल्टी टेक्नीशियन है तो उसे तकरीबन मैक्सिमम 1,800-1,700 सैलरी मिल रही है आज के माहौल में, यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ करके बोला मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में रखो एडमिशन वो हिसाब से बोलो नहीं मल्टी टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, AC बोला था 1,200-1,300 को सैलरी मिली विद अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये दिमाग में मार्केट स्टडी कर लियो सबसे पहले है, 1 से 4 आई विल गो विद कंपनी नाम सर बोलो बेहतर रहता है, नहीं करके बोला तो तुम्हें रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं, सबसे पहले एक ऑफर लेटर लियो हाथ में, जब एक ऑफर लेटर तुम्हारे हाथ में आती है तुम ना तुम्हारा कॉन्फिडेंट और तुम ना एक अलग से खुशी और एनर्जी आपको रहते तुम्हारे अंदर,
और तुम्हें समान का दिन क्या करते हैं यार, एक मिल का हर एक के वास्ते कोशिश करनी है, एक मिलते ही तुम्हें बैठ जाओ को, मुझे एक मिल का बस बीच कैश फाइनल कर लेते मेरे को, उससे भी अच्छा लालच नहीं बट उससे भी अच्छा तुम्हें मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर तुम्हारे पास इंटरव्यू के वास्ते आई मीन वीजे के वास्ते टाइम रहा तो सर्च करो फिर एक जॉब के वास्ते, उनके पास वक्त पूछ लो, अब एक वीक का दो वीक का टाइम दो, मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ इमीडिएटली, कर उनको कभी भी उनको हैंग करके रखो ना, तो उनको रिस्पॉन्ड करो, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, जो ऑफर देते हैं कंपनी से उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, उनको बताओ कि हमें आ रही मैं आता हूँ मुझे इंटरेस्टेड है इस जॉब में, प्लीज गिव मी टू मोर डेज, करो उनके पास 3 मोर डेज ऐसा पूछ लेकर तो मैं वक्त ले लेता उनके पास।